नमस्कार, न्यूज ब्रिंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। हमारे साथ मौजूद है झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी। सर, जिस तरह से दो दिन विशेष सत्र चला, कल बहुमत भी जो है साबित कर दिया, आज सदन के अंदर में काफ़ी कुछ देखने को मिला, क्या कहेंगे जिस तरह से सदन में आज रवैया सत्ता पक्ष के तरफ से अपनाया जा रहा है? सत्ता विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है और सत्ता हमेशा से जमीनी हकीकत को दरकिनार करती है और उसका खामियाजा भुगतने के बाद भी कि 5 साल का जनादेश 4 साल में इन्होंने गवा दिया और उस समय के मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन सरकार कुछ सीखना नहीं चाहती है और झारखंड के हित में कुछ करना नहीं चाहती है। परिणाम स्वरूप आज जिस तरह से जे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिस तरह से महामहिम गवर्नर को लेकर के बातें रखी गई, वो साफ दिखलाता है कि सरकार के दस्तावेज का पाठन गवर्नर करते हैं। आपने कल उनका अपमान किया, उन संवैधानिक मर्यादाओं का अपमान किया और आज धन्यवाद दिखाने के उस संवैधानिक व्यवस्था के कारण जो है आप धन्यवाद का प्रस्ताव ला करके फिर उनका अपमान करने का और उनका विरोध करने का काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि सरकार जो है, ये सरकार निश्चित रूप से पार्ट टू ही है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली, बलात्कार को बढ़ाने वाली, हत्याओं को बढ़ाने वाली और लोगों के हक हकूक को लूटने वाली, जल जंगल जमीन को लूटने वाली सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप ये भी लग रहा था कि राजभवन जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, राजभवन भी अपने पद का जो है वो फुलफिल नहीं कर पा, राजभवन चूँकि कस्टोडियन है तो मॉनिटरिंग तो उनका क्षेत्राधिकार में है, संवैधानिक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का रक्षा करना और वो अमर्यादित ना हो इसकी व्यवस्था बनाए रखना, इसी के लिए संविधान निर्माताओं ने उनका पद का सृजन किया है। चीज़ें आपने खराब करी, चीज़ें आपने गड़बड़ की, एक मुख्यमंत्री को भी, झारखंडी मुख्यमंत्री को जे जेल जाना पड़ा, इसमें आप दोष किसी पे दे दे, लेकिन इसका दोषी तो आप हैं, खुद है, आपके कारण ही आपको जाना पड़ा है, आपने ही इस चीज़ के लिए सारे माहौल को खड़ा किया है और इसके लिए आप ही दोषी हैं और आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, आप कोई ऐसा नहीं गए। कल भी राहुल गांधी जी झारखंड दौरे पर थे, कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने लगाया। जो आदिवासी हितैषी की बात तो कर रहे हैं, मैं आपको एक शब्द में कहता हूँ, ओलिहातू की धरती में बिरसा मुंडा जी को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल के बाद गणतंत्र के 76वें साल में आते हैं और उनको नमन करके उनके माटी को अपने माथे में तिलक लगा करके देश के विकसित भारत की संकल्प की यात्रा निकालते हैं, 2047 विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। नेहरू गांधी परिवार इतने दिनों तक प्रधानमंत्री के पद में रहा, आज तक आया नहीं और उसके राजकुमार युवराज वहाँ पहुँचे खूंटी में, लेकिन वो वहाँ नहीं गए उनको नमन करने के लिए, उनके वंशजों को जैसे राय बहादुर या लाट साहब जैसे पहले अंग्रेज हमारे आदिवासी जननायक को बुला करके अपने घर में दरबारी कराते थे, उसे ही इस राय बहादुर लाट साहब ने उनको बुला करके अपने अपने कैंप में, अपना वैनिटी ओ महल में बुला करके उनके साथ फोटो खिंचा करके आदिवासी तीसरे, इनका आदिवासी प्रेम दलित परम पूरी तरह छद्म है, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये पूरी तरह से आदिवासी और ये सरकार जो है पूरी तरह से आदिवासी दलित विरोधी सरकार है। सुना आपने, ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो आदिवासी हित की बात कांग्रेस या जेएमएम करती है ये केवल और केवल आईवास है, आदिवासी और दलित से जो प्रेम होना चाहिए वो इनका नहीं है, कई उदाहरण भी जो है इन्होंने अभी जाहिर किया। बहरहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक उफान पिछले कुछ दिनों में उठा था, उस उफान पे तो विराम लग गया है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब भी जारी है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।